कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो चुके हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। मोदी सरनेम केस में उन्हें ये सजा दी गई थी, लेकिन इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित किया और उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदस्यता रद्द की गई। आइए जानते हैं कि यह कानून आखिरकार है क्या। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तब से लेकर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। इसके तहत 2 समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हालांकि इसमें मानहानि का जिक्र नहीं। इसी कानून की धारा 8(3) में ये लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी।